नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिया बड़ा बयान, बोले पाक हमारा है या फिर से हमारा होना चाहिए। जयललिता की करीबी शशिकला ने 2024 से पहले एआईएडीएमके को एकजुट करने के लिए संकेत कहा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, टीआरपीएफ के दो आतंकी गिरफ्तार। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचे गहलोत पायलट राहुल ने कहा, राजस्थान के लोग जानवरों से भी प्रेम करते हैं। जालंधर के बीजेपी नेता को लश्कर ए खालसा की धमकी, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, कांग्रेस ज्वाइन करो ना करने पर परिवार को मार देंगे। चीन के खिलाफ ढाल बनेंगे 130 गांव, बॉर्डर पर बसे अरुणाचल सिक्किम के गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की शुरुआत। संसद में सरकार बोली, राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं, सैटेलाइट इमेज में आइलैंड चूना पत्थर दिखे पर कहीं नहीं सकते कि ये पुल के अवशेष है। पंजाब में गैंगस्टर पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, अमृतसर में व्यापारी से फिरौती लेने गए थे, एक की टांग में लगी गोली, दूसरा फरार। खूब लो लो हमारी सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे, कर्नाटक में विधायक का किसानों को आश्वासन, कहा लोन चुकाने की जरूरत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल के सीएम कोरोना पॉजिटिव, क्या राहुल ने टेस्ट करवाया। राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना, बोले देश में मोहब्बत है लेकिन बीजेपी आरएसएस फैला रहे डर और नफरत। मोदी कैबिनेट के अहम फैसले, 81.35 करोड़ लोगों को एक साल और मिलेगा मुफ्त राशन, वन रैंक वन पेंशन में भी बदलाव। बिहार के सारण में एक डॉक्टर की वजह से गई 78 जान, जहरीली शराब बनाने में होम्योपैथिक दवा का हुआ था इस्तेमाल, डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में चिमनी में विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोग मलबे में दबे, 15 को अस्पताल भेजा गया। पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्रिसमस भोज, कश्मीर केरल समेत 7 राज्यों के ईसाई प्रतिनिधियों को नौता। शंकराचार्य स्वामी अमितेश्वरानंद सरस्वती की जमानत अर्जी मंजूर, वाराणसी में 7 साल पहले अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल से जुड़ा है प्रकरण। सुरंग बनाकर एसबीआई में 1 करोड़ का गोल्ड चोरी, ड्रिल मशीन से फर्श तक तोड़कर स्ट्रांग रूम में घुसे, 15 फिंगरप्रिंट मिले, 11 सीसीटीवी बंद थे। मथुरा में भक्तों ने भगवान को ढाई रजाई, राधा बल्लभ के पास चांदी की अंगीठी जलाई, ग्लव्स मोजा पहनाए, मेवा कश्मीर का भोग भी लगा। मुख्यालय के सामने युवती ने खाया जहर, लव मैरिज के बाद अनबन हुई, होश आने पर बोली पति ही मेरा देवता। मेरठ में 5 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली लैब भेजा, वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है उसका।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रैगिंग कांड में व्हाट्सएप चैट से नया खुलासा, हॉस्टल में रची गई थी साजिश, 3 दिन पहले पता चल गया था सीनियर्स मारेंगे। चालकों ने रची थी ट्रक लूट की फर्जी कहानी, थाना खंदौली में बताया बोलेरो सवार 6 बदमाशों अनारों से भरा ट्रक लूट ले गए। अमरोहा में दुष्कर्मी जेठ को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 25,000 जुर्माना भी लगाया, घर में घुसकर की थी शर्मनाक घटना। आठ महीने की फरारी के बाद पूर्व आईएफएस अफसर गिरफ्तार, आय से 375 गुना ज्यादा संपत्ति अखाड़े की शरण में जाकर बचना चाहते थे। बांके बिहारी दरबार में भक्तों को पीटा, भगवान के साथ सेल्फी ले रहे थे 10 गार्डों ने घर कर बस आए घुसे। प्रयागराज के महिला अस्पताल में 62 लाख का घोटाला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से मिले बजट में हुआ गबन, तत्कालीन प्रधान सहायक से जवाब तलब। अमरोहा में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत, हाईवे पर बाइक को पिकअप ने रौंदा, फैक्ट्री में काम कर रहे देर रात लौट रहे थे घर। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे और उनके साथी हिरासत में पदयात्रा निकालकर जाने वाले थे आजमगढ़, वाराणसी में रोके गए। रैन बसेरे का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, मथुरा में देर रात अनुरय झा ने 13 रैन बसेरों की देखी व्यवस्थाएं। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम, कहा पुलिस ने नहीं सुनवाई की, 12 घंटे बाद दर्ज की अपहरण की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सड़क पर अचानक कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान, मनौरी चाइल्ड मार्ग पर लगा जाम। स्कूल में मदरसे वाली प्रार्थना कराने वाला शिक्षा मित्र गिरफ्तार, फरीदपुर के कमला नेहरू कंपोजिट स्कूल में गवाई थी नात। शाहजहांपुर में गरीबों और बेसहारा की मदद में जुटे अधिकारी, पुलिस ने बांटे 400 कंबल, थाने बुलाकर कराया भोजन, लोगों से भी अपील की। सशस्त्र धारकों को एक एक कारतूस का देना होगा हिसाब, 90% कारतूस के खोके भी करना होगा जमा। बुलंदशहर में भव्य तरीके से मनाया जाएगा परशुराम जयंती समारोह, विधायक लक्ष्मीराज को किया गया सम्मानित। शाहजहांपुर में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, 32 पैथोलॉजी सेंटर रजिस्टर्ड, गली मोहल्ले में चले 200 से ज्यादा। सुभारती के हॉस्टल में मिला छात्र का शव, बिहार चंपारण का रहने वाला था, मेरठ सुभारती में कर रहा था पढ़ाई। उन्नाव में चरमराई नगर विद्युत व्यवस्था, बिजली न आने से उपभोक्ता हुए परेशान, ताबड़तोड़ फॉल्टों के चलते हुआ। गाजियाबाद में मीट फैक्ट्री ठेकेदार से 3.5 लाख लूटे, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध आरोपी दबोचा, बोला ओवरटेका था विवाद। सीतापुर में ईसाई में धर्मांतरण करा रहे 2 लोग गिरफ्तार, नौकरी और शादी का प्रलोभन देकर कराया था धर्म परिवर्तन, महिला समेत 3 पर केस। कानपुर में युवक का अपहरण कर मांगी फिरौती, खुद को एसटीएफ बताकर मांगी फिरौती, परिजनों ने पुलिस से की मामले की शिकायत।
अलीगढ़ में दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। थाना गभाना क्षेत्र का मेहरावल का है पूरा मामला। फतेहपुर में गैंगस्टर के आतंक से पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। गैंगस्टर ने पीड़ित के पूरे परिवार को लाठी डंडे से बुरी तरह से पीटा। अलीगढ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। कैंपस में पुलिस घुसने पर रोक की उठाई मांग। कानपुर तलाक महल में गिरी जर्जर बिल्डिंग। बिल्डिंग में चल रहा था अल कादरी रेस्टोरेंट। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। उत्तराखंड में अगले तीन दिन पहाड़ों में वर्षा, बर्फबारी और मैदानों में शीतलहर की चेतावनी। उत्तराखंड के देहरादून में दो समुदाय के युवक युवती कोर्ट मैरिज करने पहुंचे, जमकर हुआ बवाल। प्रेमी युगल बोले नहीं करेंगे ये काम। उत्तराखंड में एयरपोर्ट और राज्य की सीमा पर अभी कोविड जांच नहीं, स्वास्थ्य सचिव ने कहा अफवाह न फैलाएं। घोटाले का आरोपी पूर्व डीएफओ किशन चंद गाजियाबाद से गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम यूपी में भी दे रही है दबिश। उत्तराखंड के धारचूला में मजदूरों पर नेपाल की ओर से किया गया पथराव। डंपर और जेसीबी के शीशे टूटे। सीबीआई जांच से नाखुश अंकिता के पिता बोले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उत्तराखंड में शुरू हुआ बूस्टर डोज अभियान, निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद, जान मारने की धमकी देकर कई बार किया शोषण। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा पढ़ाई के साथ मदरसों में अन्य गतिविधियों पर रखे पुलिस नजर, सर्वे तेज करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में जल्द प्रदेश अध्यक्ष घोषित करेगी आप। दिल्ली की तर्ज पर तैयार होगा निकाय चुनाव के लिए रोड मैप। रेलवे के अतिक्रमणकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पुलिस ने ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू की। उत्तराखंड में एमबीबीएस की 14 बीडीसीएल की 105 सीटें खाली, चार काउंसलिंग के बाद भी नहीं भर पाई पूरी सीट। उत्तराखंड के पुरोला में मंत्रालय की शिकायत को लेकर हंगामा, किया धर्म प्रार्थना का आयोजन, मौके से मिले उपहार। उत्तराखंड में कोहरे ने ऋषिकेश में थामी बसों की रफ्तार, यूपी रोड की रूट की कई सेवाएं प्रभावित हुई। कोविड अलर्ट के बाद नैनीताल में मास्क का अनिवार्य, नए साल के लिए होटलों की एडवांस बुकिंग में एकाएक आई गिरावट। यूक्रेन में रूस चला रहा है बुलडोजर। मारियोपोल थिएटर में पहले बम दाग कर ली 600 जान, अब अपराध के छुपाने के लिए उसे तोड़ रहा है। गोपनीय सुरक्षा में जेलेंस्की का अमेरिकी दौरा, हमले के डर से ट्रेन से पोलैंड पहुंचे, फिर नाटो के जासूसी विमान में वाशिंगटन।
इंग्लैंड में बांग्ला, तीसरी गुजराती, चौथी बड़ी भाषा ब्रिटेन में प्रवासी महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा तरक्की की। अफगान शरारती नहीं जाएंगे जेल, पाकिस्तान कागज नहीं दिखाने पर लगाएगा जुर्माना, करेगा ब्लैकलिस्ट। दो बार तख्ता पलट करने वाले सित्वेनी राबुका बने फिजी के नए प्रधानमंत्री, फ्रैंक बैनिमारा का शासन खत्म। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 24 घंटे में 3.7 करोड़ मरीज मिले, सड़कों पर रस्सी बांधकर ड्रिप लगाई जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गोलीबारी, 3 की मौत, पुलिस ने 69 साल के हमलावर को किया गिरफ्तार, 3 लोग घायल। अंडमान के पास टूटी बोट में फंसे 150 रोहिंग्या 20 ने भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दिया, कई देशों से रेस्क्यू करने की मांग की। उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में दागी मिसाइलें, इस साल का 36वां परीक्षण, रूस के हथियार बेचने के आरोपों को किया खारिज। इमरान की पूर्व पत्नी ने की शादी, 49 साल के रेहम ने 36 साल के बिलावल से निकाह किया, कहा अब हरोशी मंद शख्स मिला है। आईसीआईसी बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर अरेस्ट, लोन फ्रॉड केस में सीबीआई की कार्रवाई, चंदा के पति दीपक को भी किया गिरफ्तार। एफएमसीजी कंपनियां तेजी से कर रही विस्तार, बिस्किट, साबुन और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स को। महंगाई से निपटने की रणनीति, 2.5 साल में आरबीआई ने दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा। जब 44 भारतीय स्टार्टअप ने 16,000 कर्मियों को हटाए, दुनिया भर में इस साल 930 कंपनियों ने 1.46 लाख कर्मचारियों की छंटनी की है। एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की होगी 64.72% हिस्सेदारी, प्रणय और राधिका रॉय ने अपने ज्यादातर शेयर्स गौतम अडानी को बेचेंगे। जियो ने लॉन्च किया हैप्पी न्यू ईयर प्लान, 2,999 रुपए में 365 दिन की वैलिडिटी। चार लाख करोड़ तक पहुंचा भारत का ईआरएनडीटी मार्केट, दुनिया की सभी बड़ी ऑटो कंपनियां भारत में खोल रही हैं रिसर्च सेंटर। गरीब परिवारों को अपने कोर्स नहीं बेचेगी बायजू, एनसीपीसीआर के नोटिस के बाद को फाउंडर का बयान। एप्पल के बाद वन प्लस भी भारत में बना सकती है मोबाइल, वन निर्माण निवेश में तलाश रही संभावना। आईएमएफ ने वैश्विक चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रहा है भारत, FY23 में देश की जीडीपी रह सकती है 6.8%। रातों रात बदल गई ऑटो ड्राइवर के बेटे की किस्मत, बिहार के मुकेश पर दिल्ली कैपिटल्स ने करोड़ों खर्च किए। मौके नहीं मिलने पर हताश हो गए नारायण जगदीशन, दुबई से लौटने का मन बना लिया था, अब केकेआर ने खरीद। आईपीएल ऑक्शन 2023 में 405 में से 80 खिलाड़ी बिके, सैम करन बने सबसे महंगे खिलाड़ी, शिवम मावी और मुकेश कुमार का भी रहा जलवा।
जो रूट को आखिरकार मिला खरीदार। एक्सीलेटेड ऑक्शन में ब्रेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। दानिशका गुणातलिका के बाद अब श्रीलंका के चंबिका करुणातन पर 1 साल का बैन। आईसीसी ने लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। नीलामी इतिहास में सबसे महंगे सैम करन पूरन सबसे कीमती विकेट कीपर ऑलराउंडर पर बरसे 103.95 करोड़ रुपए। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। हरमनप्रीत की कप्तानी में उतरेगी भारतीय टीम। 2 युवा खिलाड़ी विश्व कप में डेब्यू करेंगे। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में किया शामिल। ऑक्शन फ्रेंचाइजी ने उन्हें 4.40 करोड़ रुपए में खरीदा। मुंबई इंडियंस ने मार्को जॉनसन के जुड़वा भाई डुआन जॉनसन को खरीदा। बेहद कम कीमत में मिला दक्षिण अफ्रीका का यह खिलाड़ी। शिवमावी को मिली 15 गुना ज्यादा रकम। राजस्थान रॉयल्स ने एंट्री मारकर बढ़ाया दाम। अब्दू ने जॉनी लिवर संग बोला अपना फेमस डायलॉग। बिग बॉस 16 से निकलने के बाद बोले अभी मजा आया ना ब्रो। गुरु रंधावा ने मनाए को स्टार सई मांजरेकर का जन्मदिन। वीडियो में दिखी सई गुरु की क्यूट केमिस्ट्री। बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर को लॉन्च करेंगे सलमान। डायरेक्टर सतीश कौशिक से की रिक्वेस्ट, लीड एक्ट्रेस की तलाश जारी। ₹5000 करोड़ के करीब पहुंचा अवतार 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। भारत में भी आंकड़ा 200 करोड़ के करीब। कंगना रनौत ने कसा बॉलीवुड स्टार्स पर तंज। बोली मैं शादियों में पैसे लेकर परफॉर्म नहीं करती। मैंने ढेर सारे पैसों का ऑफर भी ठुकराया है। पठान के गाने पर सटीक बैठा बादशाह। फिल्म का गाना सोशल मीडिया यूजर्स बोले ये तो कमाल कर दिया। रिमिक्स तो ओरिजिनल से बेहतर है। नताशा स्टोनकोविक ने हार्दिक पांड्या के साथ कराया ग्लैमरस फोटोशूट। ब्लैक आउटफिट में दिए बेहतरीन पोज। दिशा पाटनी ने रूमर बॉयफ्रेंड संग शेयर की फोटो। कार्तिक आर्यन ने दिखाई गुजराती थाली की झलक। जैकलिन मोनी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। भारत लौटी मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल। साड़ी में दिखा कंगना का स्वैग। मीका सिंह समेत मुंबई एयरपोर्ट पर कई स्लेब्स हुए स्पॉट। रितेश देशमुख ने करण जौहर के साथ किया डांस। फिल्म वेट के गाने वेड लव वाले पर झूमे दोनों फैंस ने उठाया पैर। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।